परिवार कहीं है, वो कहीं है, उनकी एक अफसर थी, उनकी मदर भी नोएडा में है, वो सीतापुर में पोस्टेड हैं। इस तरह के संघर्ष मैंने बिल्कुल ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ में मैंने देखे हैं महिलाओं के, यहाँ पे जब से मैं काम कर रही हूँ। जैसे हमारे शिक्षा मित्र हैं, आशा बहुएँ हैं, आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं, जिस शिक्षा मित्रों ने जब प्रदर्शन किया अपने राइट्स के लिए तो पुलिस की लाठी पड़ी उनको, एक उनको काफ़ी चोट भी आई थी, जेल में डाल दिया गया। तो मतलब इस तरह के जो संघर्ष हैं, जो हर रोज़ हर महिला उसका सामना कर रही है, चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे काम पे हो, कुछ भी हो, इसको देखते हुए मुझे लगा कि अगर महिलाएं राजनीति में आएं, सत्ता उनके हाथों में आए, तो सबसे पहले तो हम महिलाओं में करुणा का जो भाव होता है, सेवा का भाव होता है, और जो एक दृढ़ता और शक्ति होती है उसका, सॉरी टू से, लेकिन आप पुरुषों में नहीं तो मुझे राजनीति में आने से एक ये जो शक्ति है उससे हम बदलाव ला सकते हैं। हम कहते हैं समाज को बदलना है, महिलाओं पर इतना अत्याचार होता है, कैसे बदलेंगे, कोई आके हमें मदद नहीं करेगा, हमें खुद अपना काम खुद करना पड़ेगा। तो मैं इसकी बहुत बड़ी बिलीवर हूँ, और मैंने सोचा कि इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है कि चुनाव आ रहा है, इसमें भागीदारी हो, लड़े महिलाएं। कैसे आप अट्रैक्ट करेंगे कांग्रेस की तरफ वोटर्स को, या आप चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आए, उसके लिए कोई खास प्लान? मैं चाहूंगी कि किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में कोई भी महिला हो जो चाहे अपना भविष्य बनाना चाहती है, समाज को बदलना चाहती है, राजनीति को बदलना चाहती है, कोई एक नई ऊर्जा लानी चाहती है, उसकी कोई नई सोच है, ऑलरेडी वो काम कर रही है, समाज सेवा कर रही है, या हो सकता है कि अध्यापक हो या कुछ भी हो, उसमें ये सिर्फ इतना होना चाहिए कि काम करने का मन होना चाहिए, लड़ने की इच्छा होनी चाहिए, और लोग थोड़ा जाने पहचाने अपने क्षेत्र में, तो आए लड़े। तो मैं तो सबको इनवाइट कर रही हूँ, आप अगर टीवी पे देख रहे हैं मुझे, तो मैं आप सबको इनवाइट कर रही हूँ कि आप भी अपना आवेदन दीजिए, कोशिश करते हैं, एक नई क्रांति लाते हैं। आपको क्या लग रहा है कि यूपी में बहुत सारे इश्यूज हैं, ये एक इशू जो है क्या महिलाओं के लिए? आपको वाकई लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो हालात है उसमें एक जरूरी है कि इस तरीके से महिलाओं को, खासकर जब राजनीति में आएंगे तो ज्यादा इम्पावर्ड होंगी? क्या लगता है आपको ये वजह? आपको क्या लगता है, आप महिला है, आप कह रही थी कि काफी समय से आपने यूपी की पॉलिटिक्स देखी है, तो आपको क्या लगता है? जरूरत है क्योंकि बदलाव आएगा ही नहीं अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, हम इंतजार करते रहेंगे कि कोई, और जब भी आप देखें तो ज़्यादातर जो पुरुष पॉलिटिशियंस हैं, जब वो बात करते हैं तो वो इन टर्म्स में बात करते हैं कि माताओं, बहनों, बेटियों, आपकी सुरक्षा करेंगे, आप पर नियंत्रण होना चाहिए। ये क्या बात हुई? आपने कभी सुना है कि कोई कह रहा है कि पिताओं, भाइयों, बेटों क्यों नहीं कहते? हम महिला हैं तो हमारा भी अस्तित्व है, हम में शक्ति है, हम में क्षमता है, तो हमें लड़ना चाहिए। तो मेरी तो ये बिलीफ है कि क्यों नहीं, सबसे बड़ा तबका कौन सा है? अब जब भी राजनीति की बात करते हैं तो लोग कहते हैं ना कि ये कौन है आपके साथ, ये है वो, सबसे बड़ा तबका कौन सा है? महिलाएं हैं। और आज क्या चाहती हैं, आज क्या चाहती हैं? अपना भविष्य बनाना चाहती हैं, खासतौर से जो नौजवान महिलाएं हैं, जो काम पे के लिए जाती हैं, उनको डर लगता है कि कोई कुछ हो ना जाए उनको।